हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर? मैं कविता, ICT वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास, अब हम रिवीजन कर रहे थे और हम चैप्टर नंबर 1 को रिवाइज कर रहे थे जिसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो इसमें हमने देखा था फूड हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है, फूड के क्या कार्य होते हैं, और इसके बाद हम देख रहे थे कि जो फूड के सोर्स हैं यानी कि भोजन के जो स्रोत हैं वो क्या क्या हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे भोजन के स्रोत, कौन कौन से भोजन के स्रोत हैं, यानी कि भोजन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। हमने कहा मुख्यतः हमारे पास दो स्रोत आते हैं, एक प्लांट से और एक एनिमल से, यानी कि पादपों से और जंतुओं से। और दोनों में से भी मुख्य कौन है, हम क्या करते हैं, जो प्लांट है प्लांट से अपना भोजन मुख्यतः लेते हैं, और उसके बाद आता है जंतु, के जंतुओं से भी हम अपना भोजन लेते हैं। उसमें हमने देखा था कि जो प्लांट्स है प्लांट के किन किन भागों से हम भोजन ले रहे हैं। हमने कहा यहाँ पे कि हम जड़ों से ले रहे हैं, हमने कहा हम जड़ों से ले रहे हैं, हम तनों से ले रहे हैं, हम पत्तियों से ले रहे हैं, फूलों से ले रहे हैं, और फल, और उसके बाद बीज। अब देखिए प्लांट के जितने भी भाग होते हैं सारे ही पार्ट से हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं। और हम क्या करेंगे कि जैसे जड़ से हम जब अपना भोजन ले रहे हैं तो कुछ और अन्य पौधे होंगे, अगर हम यहाँ पे तनों से ले रहे हैं तो अलग अलग होंगे, यानी कि अलग ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो प्लांट है एक ही प्लांट के हर एक भाग से हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं। किसी पौधे के हम जड़ से भोजन ग्रहण कर रहे हैं और किसी के तने से कर रहे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे सारे ही पार्ट्स आ जाते हैं किसके, एक प्लांट के। मुख्यतः यही पार्ट्स होते हैं प्लांट के, और हम कह सकते हैं कि प्लांट्स यानी कि पौधे के जितने भी भाग होते हैं हम प्रत्येक भाग से अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ तक की बात क्लियर थी। अब हमारे पास जो नया टॉपिक आता है वो है कि पशुओं से प्राप्त जो भोज्य सामग्री है वो क्या क्या होती है हमें। तो जब भी पशुओं का नाम आता है तो हमें क्या याद रहता है कि हम पशुओं से मुख्यतः मीट लेते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम यहाँ पे पशुओं से लेते हैं। जैसे कि हमने कहा मिल्क हो गया, एग हो गया, फिश हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, ये सारी ही चीजें जितनी भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है सभी हम कहाँ से लेते हैं, एनिमल से। तो हम पढ़ लेंगे पशु हमारे लिए भोजन के एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। अब क्या कहा गया है, एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है, और अगर आपको पूछा जाए अगर इन दोनों स्रोतों में से किसमें से, पादप और जंतुओं में से मुख्य स्रोत अगर पूछा जाए तो हम कहेंगे वहाँ पे पादप है, और अगर कहा जाए कि जो भोजन है भोजन के स्रोत क्या है तो आप दोनों के नाम वहाँ पे लिखेंगे, पादप भी और जंतु भी। नेक्स्ट हमने क्या लिखा, जानवरों से प्राप्त खाद्य उत्पाद प्रोटीन और विटामिन और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। क्या क्या होता है इनमें, हमने कहा इनमें प्रोटीन होता है, किन में, उस भोज्य पदार्थ में जो हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है, जंतुओं से जिसे हम प्राप्त कर रहे हैं उसमें क्या होगा, प्रोटीन होगा, विटामिन भी होता है और अन्य आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। तो नेक्स्ट हमने क्या देखा, गाय बकरियों और भैंसों के दूध जैसे महत्वपूर्ण स्टेपल को प्रतिदिन संसाधित और उपभोग किया जाता है। दूध का उपयोग आगे पनीर, दही, पनीर, मक्खन को और इन सभी चीजों को बनाने के लिए किया जाता है। अब आपको किसके प्रोडक्ट बता रहे हैं, दूध के, ये तो आपको पता है कि दूध के प्रोडक्ट क्या है, दही भी होता है, पनीर होता है, मक्खन होता है, मिठाइयां होती है, बहुत सारे यहाँ पे क्या होते हैं, दूध के प्रोडक्ट होते हैं। और अन्य महत्वपूर्ण जो भोज्य सामग्री आती है उसमें चिकन आ गया, फिश आ गया, अंडे आ गए, शहद आ गए, तो ये सारी ही चीजें क्या होती है, हमें जंतुओं से प्राप्त होती हैं। अब आप जानते हैं कि पादपों से प्राप्त होने वाला भोजन क्या है और यहाँ पे जंतुओं से प्राप्त होने वाला भोजन क्या है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, हमने कहा था अब हम जब हमने प्लांट्स के बारे में बात की थी तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि हम प्लांट के किस किस भाग से कौन सा भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा, हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि कौन सा जो एनिमल है, कौन सा जानवर है हमें कौन सा भोज्य पदार्थ दे रहा है, प्लस उस भोज्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व है। अब हम पोषक तत्वों को भी साथ लेके चलेंगे। हमने कहा दूध को कौन देता है, गाय, भैंस, बकरी और ऊंट से प्राप्त होता है। अब ये सारे ही क्या है, दूध के स्रोत है। अब हमने कहा दूध में क्या कौन सा पोषक तत्व होता है, हमने कहा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, वसा से भरपूर होता है दूध, ये बात हमें पता चल गई है। लेकिन हमने कहा मुर्गी, बतख और टर्की जैसे पक्षी हमें अंडे देते हैं, किसकी बात आपको बताई गई है, अंडों की बात बताई कि अंडे हमें कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं, ये सारे स्रोत हैं अंडों के, और अंडों से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। अब आपको ये पता चल गया है
किस भोज्य पदार्थ से आपको क्या मिल रहा है। जब भी आप अंडे खाएंगे, जब भी आप दूध को पियेंगे, तो आपको क्या याद रखना है कि आप कौन सा पोषक तत्व तो यहाँ पे ग्रहण कर रहे हैं। इससे आपको याद भी होगा और आपको हमेशा याद रहेगा। ऐसे नहीं कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप किसी भोज्य पदार्थ को खाते हैं तो आपको याद रखना है कि इस भोज्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व है। नेक्स्ट हमने क्या कहा, मांस के रूप में जाने जाने वाले जानवरों का मांस भी मनुष्यों द्वारा खाया जाता है और मांस भी हम अलग अलग जानवरों से प्राप्त करते हैं। थर्ड हमने कहा, दुनिया के अधिकांश तटीय क्षेत्रों में मछली, झींगे और केकड़ों का सेवन किया जाता है, यानी जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहां पे क्या होता है, मछली का सेवन ज्यादा किया जाता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, मधुमक्खियां फूलों के अमृत को शहद में बदल देती है जिसका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। अब यहाँ पे हम शहद का यूज करते हैं, हमें पता है शहद क्या होता है, शहद हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो शहद को कौन बनाती है, मधुमक्खियां बनाती हैं। और कैसे बनाती हैं, ये फूलों का रस चूसकर। फूलों में आपने भी कभी किसी फूल को अगर खाया होगा, जैसे कि हम बुरांस का जो फूल होता है हम उसे ऐसे ही खा लेते हैं, तो जब आपने बुरांस के फूल को खाया होगा तो आपको कुछ मीठा मीठा सा कुछ लिक्विड दिखाई दिया होगा। इसी प्रकार के लिक्विड होते हैं फूलों में और मधुमक्खियां क्या करती है, इसी लिक्विड को इकट्ठा करती है जिससे कि वो शहद में उसे बदल देती है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, पनीर, क्रीम, घी सभी गाय और भैंसों से प्राप्त दूध से बनते हैं, यानी कि आपको दूध के यहाँ पे प्रोडक्ट बताए गए हैं। तो ये सारा हम क्या पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो एनिमल है, जो जंतु है, उससे हम किस प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो नेक्स्ट जो हेडिंग हमारे पास आती है वो है जानवर क्या खाते हैं। तो अभी तक तो हमने अपनी बात की है कि हम अपना भोजन क्या कैसे ग्रहण करते हैं, हमने क्या क्या खाया, हमने कहाँ से उसे प्राप्त किया। अब हम बात करते हैं किनके बारे में, कि जो भोज्य पदार्थ है, भोज्य अलग अलग जो जीव है वो अलग अलग प्रकार के भोजन को करते हैं। जैसे अगर हम बात करें अपनी, तो हम हमारा जो भोजन होगा वो अलग होता है। अगर हम बात करें गाय की, तो गाय का जो भोज्य पदार्थ भोजन होगा वो एकदम अलग होता है। तो इसी के आधार पर अब हम क्या करेंगे, जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, उन्हें हम अलग अलग कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था। हमने कहा था खाने की आदत के अनुसार, यानी कि वो अपने भोजन में क्या खाते हैं और किस प्रकार से खाते हैं, इसके आधार पर हमने जो जंतु थे, जंतु को अलग अलग कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था, यानी कि अलग अलग ग्रुप में हमने उन्हें विभाजित किया था। तो क्या पढ़ा हमने, हमने कहा जीवित जीवों द्वारा अपनाई जाने वाले खाने की विधि या भोजन के विकल्प को भोजन की आदत कहा जाता है। उदाहरण के लिए खरगोश घास या पौधे पर आधारित भोजन खाता है। यही हम बात कर रहे हैं, हमने कहा हम कुछ और खाएंगे, गाय कुछ और खाएगी, ये खरगोश कुछ और खा रहा है। इसी प्रकार से हर एक जो एनिमल है वो अलग अलग प्रकार के भोजन को यहाँ पे ग्रहण कर रहा है। तो इसी के आधार पर हमने यहाँ पे क्या किया, हमने जंतुओं को अलग 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 कैटेगरी में डिवाइड किया और तीन कैटेगरी हमारे पास आती है। हमने कहा सबसे पहले होते हैं शाकाहारी। शाकाहारी को हम क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स कहते हैं। तो नाम क्या बता रहे हैं, शाकाहारी यानी जो शाक को खाते होंगे। शाक का क्या मतलब है कि जो हरे पेड़ पौधों को खाते होंगे, उन्हें हमने शाकाहारी कहा, यानी कि जो पेड़ पौधों को खाने वाले जंतु होते हैं वो शाकाहारी होंगे और ये सिर्फ पेड़ पौधों को ही खाएंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं खाते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास गाय और बकरी आ गई है। तो शाकाहारी के एग्जाम्पल आप याद रखें, आपने गाय को देखा होगा, हम गाय को क्या देते हैं, सिर्फ घास देते हैं, भूसा भी देते हैं तो वो भी घास का ही क्या है एक। तो हमने क्या कहा, हमने कहा गाय घास खाती है और अगर हम भूसा भी दे रहे हैं तो भूसा जो है वो घास का ही स्वरूप होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल आ गए, हमने किसके बारे में पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया है हर्बीवोर्स के बारे में। और ये सारे ही एग्जाम्पल आपके किसके आते हैं, हर्बीवोर्स के आते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी क्या होते हैं, घास को खाते हैं। अब आपको अच्छे से पता है आपके आसपास जितने भी वहां पे जानवर हैं, आपको ये देखना है कि कौन घास खाता है और कौन घास के अलावा अन्य चीजें खाता है। चलिए तो नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड जो पार्ट आता है या सेकंड कैटेगरी आती है, उसे हमने क्या कहा, उसे हमने कहा मांसाहारी। अब ये भी नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि जो मांस को खाने वाले जो जंतु हैं उन्हें हमने मांसाहारी कहा, यानी जो जानवर दूसरे जानवरों को खाते हैं। यहाँ पे जो जीव है, जो जानवर है, वो दूसरे जंतुओं को खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, यहाँ पे मांसाहारी कहते हैं। क्या एग्जाम्पल है हमारे पास मांसाहारी के, हमने कहा शेर, बाघ, ये सारे क्या है, मांसाहारी। सिर्फ मांस को खाते हैं, ये हरे पेड़ पौधों को नहीं खाएंगे।
ध्यान रखना है आपको, शाकाहारी सिर्फ घास खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे, मांसाहारी सिर्फ मांस खाएंगे, घास नहीं खाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट हमने क्या कहा, मांसाहारी और शाकाहारी के बारे में। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, तो तीसरा जो हमारे पास आता है वो है सर्वाहारी। अब सर्वाहारी यानी कि जो सब कुछ को खाता है उसे हमने क्या कहा, सर्वाहारी कहा। आपने क्या पढ़ा, वे जानवर जो पौधे और अन्य जानवर दोनों को ही खाते हैं वो सर्वाहारी होते हैं, जैसे कि भालू हो गया। तो ये मांस के साथ साथ शहद भी खाते हैं। तो हमने क्या कहा, हमने कहा तीन प्रकार के होते हैं, हर्बीवोर्स हो गया, कार्निवोर्स हो गया। कार्निवोर्स क्या होते हैं कि जो यहाँ पे हमने मांसाहारी जिन्हें कहा था, ये मांसाहारी के एग्जाम्पल है। हमने कहा ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स क्या होते हैं, जो क्या खाएंगे, जो घास भी खाते हैं और जो क्या कहते हैं मांस भी खाते हैं। तो अगर हम बात करें मनुष्यों की, तो मनुष्य क्या होता है, ओमनीवोर्स होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम घास, घास का क्या मतलब है कि हम पादप से प्राप्त होने वाले भोजन को भी ग्रहण कर रहे हैं और हम मांस भी खा रहे हैं, तो हम क्या है यहाँ पे ओमनीवोर्स हैं। तीन कैटेगरी आपको याद रखनी है, क्या आता है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। यहाँ पे ये डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि नाम ही आपको डेफिनेशन बता रहे हैं। आपको क्या याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखने हैं कि शाकाहारी के क्या एग्जाम्पल होंगे यहाँ पे और सर्वाहारी के क्या एग्जाम्पल होंगे। यहाँ तक कि जब हमने बात की तो हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है, हमने पढ़ लिया है। इस चैप्टर में हमने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, सिर्फ हमने भोजन के बारे में पढ़ा है, उसके महत्व के बारे में पढ़ा है, उसके स्रोत के बारे में पढ़ा है, और हमने भोजन के आधार पर हमने जीवों को अलग भागों में यहाँ पे डिवाइड किया है। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे, और अब ये जो चैप्टर है वो आपके लिए बहुत इजी हो गया होगा क्योंकि हमने इसे फिर से रिवाइज कर लिया। तो आइए अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पास आएंगे, और आपको क्या करना है, जैसे हम करते हैं वैसे ही आपको स्टेटमेंट पढ़नी है, चार ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। चलिए पहला आ गया हमारे पास क्वेश्चन कि सरसों के पौधे का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। हमारे पास पूछा गया है, हमने जब पढ़ा था कि भोजन के स्रोत के बारे में, हमने कहा दो प्रकार के स्रोत होते हैं, एक जंतु और एक क्या होता है यहाँ पे पादप। अब हमसे पूछा गया है कि जो पादप से प्राप्त होने वाला भोजन है उससे हमारे पास क्वेश्चन आया है, और आपको बताना है कि सरसों के पौधे का वो कौन सा भाग है जिसे हम खाते हैं। हमने क्या क्या देखा था, हमने प्लांट के हर एक भाग को देखा था, हमने जड़ भी देखी, तना भी देखा, पत्ती, फूल और बीज, सारी ही चीजें हमने देखी। अब आपको ये बताना है कि सरसों के पौधे का कौन सा भाग है जिसे हम खाते हैं। हमारे पास आता है बीज और फूल, सेकेंड है पत्तियां और फूल, थर्ड है बीज और पत्तियां, और लास्ट है स्टेम और जड़। अब हमें बताना है हम क्या खाते हैं सरसों के पौधे का। देखिए सबसे पहले तो सरसों के पौधे से हमें बीज प्राप्त होता है, तो इसका मतलब जिस ऑप्शन में बीज है वो यहाँ पे सही होगा। अब ऑप्शन ए और सी यहाँ पे ऐसा है कि जिसमें बीज होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही कौन आएगा, सी आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, बीज और पत्तियां हम यहाँ पे खाते हैं। पत्तियों, बीज से हम क्या करते हैं यहाँ पे, बीज से हम ऑयल को प्राप्त करते हैं, और पत्तियों से हम यहाँ पे सब्जी बनाते हैं, जो हरे पत्तियों की सब्जी है हम वो बनाते हैं। आंसर हमारा क्या होगा, बीज और पत्तियां आएगा। व्याख्या क्या है इसकी, सरसों के बीजों का उपयोग हम तेलों के लिए, तेल और मसालों के लिए किया जाता है, जबकि पत्तियों का उपयोग यहाँ पे सब्जी के रूप में किया जाता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इसी प्रकार से आपको हर एक सब्जी, हर एक पौधे के भाग को याद रखना है कि किस पौधे के किस भाग को हम यहाँ पे उपयोग करते हैं। चलिए तो अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर टू, और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मधुमक्खियां प्रायः फूलों पर बैठी देखी जाती हैं, वो ऐसा क्यों करती हैं। हमने भी देखा है कि मधुमक्खियां फूलों के चारों ओर घूमती हैं या फिर फूलों पर बैठी रहती हैं, क्या इसका रीजन है। तो हमने अभी पढ़ा था, आपको ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो मिल गया होगा। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि मधुमक्खियां फूल को पसंद करती हैं इसलिए वो उसमें बैठी रहती हैं, हो सकता है ये आंसर कि मधुमक्खियां क्या करती हैं, फूलों को पसंद करती हैं। सेकेंड कि वे फूलों पे अंडे देती हैं, थर्ड वे फूलों से अमृत चूसती हैं, और लास्ट कह रहे कि ये सभी जो आंसर है वो सही है। तो हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था कि मधुमक्खियां जो फूलों पे अंडे दे रही है, हमने क्या कहा था कि मधुमक्खियां का जब भी नाम आता है तो हमें क्या याद आता है, हमें शहद याद आता है।
शहद का निर्माण कौन करता है, मधुमक्खियां कर रही हैं, किस प्रकार से कर रही हैं। तो हमने पढ़ा था कि मधुमक्खियां फूलों से क्या करती हैं, फूलों का रस चूसती हैं और उसे इकट्ठा करके उसे शहद में बदल देती हैं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। व्याख्या क्या है इसकी? मधुमक्खियां फूलों से अमृत एकत्र करती हैं और इसे शहद में बदल देती हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, हम सभी जानते हैं यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है क्वेश्चन नंबर थर्ड। और क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे? स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा कौन सा है, यानी कि ये जो हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं भोजन के, तो हमें बताना है भोजन के या बीजों के, तो हमें बताना है कि इनमें से सबसे जो अच्छा, सबसे उत्तम जो स्वास्थ्य के लिए जो बीज है वो कौन सा बीज होगा। ऑप्शन वन कह रहा है कि उबले हुए बीज है, ऑप्शन सेकेंड कह रहा है कि भुने हुए बीज है, ऑप्शन सी कह रहा है गीले सूजे हुए बीज, और डी कह रहा है कि अंकुरित बीज। अब उबले हुए क्या होते हैं, जिन्हें आप बॉईल करते हैं, भुने हुए क्या होते हैं, जिन्हें आप फ्राई करते हैं, गीले सूजे हुए बीज और अंकुरित बीज क्या होते हैं कि जिनमें अंकुरण आया है। ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होगा डी, जो अंकुरित बीज होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक अच्छे होते हैं। यहाँ तक की बात हमने कर ली है और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर फोर। क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर फोर में? निम्नलिखित में से किस सेट में केवल शाकाहारी जानवर शामिल हैं? क्या बताना है आपको? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको हर एक ऑप्शन में एक सेट दिया गया है और इस सेट में से आपको चूज करना है कि शाकाहारी जानवर यहाँ पे कौन है। क्या होते हैं शाकाहारी जानवर, यानी कि हर्बीवोर्स एनिमल जो कि सिर्फ घास का उपयोग करते हैं अपने भोजन में। अब आपको ये डिसाइड करना है कि कौन कौन से होते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है गाय, बकरी, खरगोश और हिरण। सेकेंड जो ऑप्शन है वो कह रहा है गाय, बकरी, खरगोश और भेड़िया। थर्ड ऑप्शन कह रहा है भेड़िया, बकरी, खरगोश, हिरण और लास्ट ऑप्शन कह रहा है गाय, कौवा, क्रेन और ऊंट। आपको इन चारों ऑप्शन में से अपना जो सही ऑप्शन है वो चूज करना है। चलिए तो हमारा यहाँ पे आंसर जो सही होगा वो हमें बताना है कि निम्नलिखित में से किस सेट में केवल शाकाहारी जानवर आते हैं। आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पे? आंसर आएगा हमारा ए कि इस वाले सेट में क्या है, पूरे जो शाकाहारी जानवर हैं वो शामिल होते हैं, क्योंकि भेड़िया और कौवा यहाँ पे क्या होते हैं, शाकाहारी नहीं होते हैं। तो अगर भेड़िया हमें पता है कि शाकाहारी नहीं है तो ये हम पहले ही हटा लेंगे दो, कौवा हमें पता है तो हम तीसरा पहले ही हटा लेंगे। ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है? ऑप्शन नंबर वन बचता है और वो हमारा क्या है, सही आंसर यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर फाइव। और क्वेश्चन नंबर फाइव हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहे कि वे जंतु जो पौधे और अन्य जानवरों के मांस दोनों खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर वन है शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो क्या यहाँ पे है? सर्वाहारी है। सर्वाहारी से क्या अर्थ है कि जो सब कुछ ही खाता हो उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पे? सर्वाहारी कहेंगे। शाकाहारी सिर्फ घास को खाएगा, मांसाहारी सिर्फ मांस को खाएगा और सर्वाहारी घास और मांस दोनों को यहाँ पे कंज्यूम करेगा। के बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारे पास आता है और उसमें हमसे कहा गया है कि मनुष्य क्या है, शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है या अपघटक है। अब हमें बताना है हमने यहाँ पे क्या किया था, जब हम बात कर रहे थे इन तीनों चीजों की तो हमने मनुष्य को किस कैटेगरी में रखा था, ये आपको याद होना चाहिए। तो हमने क्या कहा था कि मनुष्य क्या है यहाँ पे? सर्वाहारी है। अगर हम बात करें अपघटक की, क्योंकि हम शाकाहारी और मांसाहारी सर्वाहारी हम जानते हैं, अपघटक की अगर हम बात करें, अपघटक क्या होता है? वहां पे कोई भी चीज है उसका निम्नीकरण कर रहा है, उसका अपघटन कर रहा है। जैसे कि हमने कहा कि कोई भी एनिमल है, कोई भी जीव है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी जो उसका मृत शरीर वहां पे पड़ा हुआ होता है, तो पहले दिन आपने देखा कि उसका मृत शरीर वहां पे पड़ा है। कुछ दिन बाद आप वहां पे गए तो आपने देखा कि वहां पे सिर्फ हड्डियों का ढांचा होता है और जो पूरा शरीर है वहां से गायब हो चुका है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे कुछ अपघटक थे। अपघटक क्या होते हैं? जो अपघटन कर रहे हैं। अपघटन क्या होता है? निम्नीकरण होता है। निम्नीकरण का क्या मतलब होता है? कोई बड़ी चीज है, हमने कहा कोई बड़ी चीज है, इसका निम्नीकरण हुआ तो ये छोटे छोटे चीज में डिवाइड हो गई है, कुछ इसी प्रकार से हुआ छोटे। तो ये भी पूरी बॉडी थी, यहाँ पे कुछ अपघटक थे, उन्होंने क्या किया, उसे तोड़ तोड़ के उसका निम्नीकरण कर दिया है
और तोड़ते किस प्रकार से हैं, ये जो मृत शरीर है उसे अपने भोजन के रूप में उपयोग कर रहे हैं, और इस वजह से कुछ तो उन्होंने क्या कर दिया है, भोजन के रूप में उपयोग कर लिया है और कुछ का निम्नीकरण कर लिया है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। और अपघटक में कौन आते हैं, हमने कहा अपघटक में आते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव यहाँ पे क्या होंगे, अपघटक की श्रेणी में आएंगे। तो यहां तक की बात हमने कर ली है। उसके बाद अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आता है, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय सही नहीं है। इससे पहले सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने अभी कुछ देर पहले किया था, हमने कहा था हमें ऐसे ही क्या दिए गए थे, एक हमें ग्रुप बनाकर दिया गया था, और उस ग्रुप से हमें वो ग्रुप चूज करना था कि जो कि शाकाहारी है। अब हमें क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा वो ग्रुप है जो सही नहीं है। तो किस प्रकार से सही नहीं है, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि क्या मैच इनमें हो रहा है क्या मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि श्रेणी में वही यहाँ पे जानवर होंगे जिनमें कुछ समानताएं होंगी, और जिनमें कोई समानता नहीं होगी अगर वो श्रेणी में है तो इसका मतलब वही गलत है। क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर वन कह रहा है गाय, खरगोश, हिरण और बकरी। तो यही सेम जो यहाँ पे जो ऑप्शन हमें मिले हैं, सेम हमने पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें भी हमें मिले थे। लेकिन क्या अभी तो आप इजीली यहाँ पे क्या कर लोगे, क्वेश्चन का आंसर देख लोगे कि आपका आंसर सही कौन सा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो आपको देखना होता है कि इनमें समानता क्या है। तो हम अगर इसकी बात करें, हमने कहा कि ये सारे ही क्या करते हैं, ये सारे ही घास को खाते हैं। लेकिन हमने कहा बाघ, शेर, भेड़िया और पैंथर, हमने कहा कि ये सारे ही क्या यहाँ पे क्या करते हैं, मांसाहारी हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक दूसरे से वो कर रहे हैं, एक दूसरे से इनका रिलेशन देख रहे हैं, संबंध देख रहे हैं। हमने कहा ये सारे क्या घास खाएंगे, ये सारे यहाँ पे क्या करेंगे, मांस खाएंगे। ऐसे ही हमने और भी जो ऑप्शन होते हैं, भालू, कौवा, बिल्ली, अब हमें देखने इनमें क्या यहाँ पे संबंध है। नेक्स्ट हमने कहा खरगोश, हिरण, बिल्ली और भेड़िया। तो आंसर सही हमारा क्या आएगा, आंसर हमें कौन सा बताना है कि कौन सा सही नहीं है। हमने कहा डी यहाँ पे सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खरगोश और हिरण आ जाते हैं जो कि क्या है यहाँ पे, जो कि है शाकाहारी, और भेड़िया यहाँ पे क्या है, मांसाहारी है। तो ये जो समुच्चय था ये क्या था, गलत था, क्योंकि हमें एक ग्रुप में वो रखने थे कि जो शाकाहारी है उसे एक में रखना था, जो मांसाहारी है उसे एक में रखना था। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि ये जो समुच्चय है वो सही नहीं है यहाँ पे। चलिए, तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 8। और क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में कि गिलहरी का आहार कौन सा नहीं है। पहला कह रहा है अनाज, बी कह रहा है छोटे कीड़े, तीसरा कह रहा है फल और लास्ट कह रहा है ये सभी। तो गिलहरी हमने क्या देखा, गिलहरी अनाज खाती है, फल भी खाती है, लेकिन गिलहरी क्या नहीं खाती है, छोटे कीड़े। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा, बी सही होगा कि जो गिलहरी है वो छोटे कीड़ों को यहाँ पे नहीं खाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें हमसे पूछा गया है बड़े पैमाने पर मछलियों के पालन और प्रबंधन को क्या कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास पूछा गया है कि जो मछली का पालन है उसे क्या कहते हैं। कोई भी चीज है, हर एक चीज का अलग अलग नाम होता है। जैसे कि अगर कोई कृषि कर रहा है हमने कहा वो कृषक है, कोई बिजनेस कर रहा है हमने कहा वो बिजनेसमैन है, कोई टीचिंग कर रहा है हमने कहा वो टीचर है, और कोई स्टडी कर रहा है हमने उसे कहा वो स्टूडेंट है। ये क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, कार्य के आधार पर हम एक नाम वहां पे रखते हैं हर एक चीज का। कोई भी कार्य क्षेत्र होता है, कोई भी काम है, उसके अकॉर्डिंग जो करने वाला है उसका नाम रखा जाता है। तो वैसे ही हमें क्या बताया, पूछा जा रहा है कि मछली का जो पालन हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है कृषि। कृषि में हमने क्या कहा था, कृषि में क्या आता है कि जो खेती होती है उसे हम कृषि में रखते हैं। सेकंड हमने कहा मधुमक्खी पालन, क्या हो रहा है यहाँ पे, मधुमक्खी को हम पाल रहे हैं। सेकंड है मत्स्य पालन और लास्ट है बागवानी। तो बागवानी में क्या आता है यहाँ पे, हम क्या करते हैं कि जो बाग बगीचे हैं वहां पे फूलों को लगाते हैं, पौधों को लगाते हैं, जो ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं जिसे हम सजावटी पौधे कहते हैं उन्हें लगाते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा बचता है, सिर्फ हमारे सी ऑप्शन बचता है, मत्स्य पालन। अब मत्स्य से ही कुछ मछली से ही रिलेटेड है, तो मत्स्य हम किसे कहते हैं, मछली को कहते हैं।
तो क्या कहते हैं मछली पालन को? मत्स्य पालन इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास यहाँ पर आ गया, जिसमें हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ वाली सब्जी है? हमें इनमें से बताना है जड़ कौन सा है। पहला ऑप्शन कह रहा है आलू, सेकंड कह रहा है गाजर, तीसरा कह रहा है ककड़ी और लास्ट कह रहा है प्याज। तो जब हमसे पूछा जाता है कि यहाँ पे जड़ क्या होती है, तो जड़ की विशेषता क्या होती है, हमसे पूछा है अगर जाए कि किसी पेड़ की जड़ कौन है, तना कौन है, हम क्या कहते हैं, सिंपली हमने कहा अगर हम एक प्लांट का यहाँ पे डायग्राम बनाए, ये क्या एक प्लांट है, ये प्लांट है, और हमने कहा कि यहाँ पे क्या आ जाती है, इसकी जड़ें आ जाती है, तो क्या कहते हैं हम कहते हैं कि ये एक क्या है, समतल पृथ्वी कहिए या मैदान कहिए, ये यहाँ पे क्या है, ये मैदान है, इसके अंदर यानी पृथ्वी के नीचे जो भाग होता है उसे हम सिंपली जड़ कह देते हैं, और पृथ्वी के ऊपर जो भाग होता है उसे हम सिंपली तना कह देते हैं। ये तो था एक सिंपल कि हम क्या कहते हैं, एक जनरल सा इंट्रोडक्शन है पेड़ के भागों का, कि कौन सा भाग कहाँ रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उनके नाम को हम बता देते हैं कि जो जमीन के अंदर वाला जो भाग है वो जड़ है और जो जमीन के ऊपर वाला भाग है वो तना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनमें से कौन से जमीन के अंदर रहता है और कौन से जमीन के बाहर रहते हैं। हमने कहा आलू, तो आलू आपने देखा होगा हम खोद के निकालते हैं, यानी जमीन के अंदर रहता है। हमने कहा गाजर, गाजर भी सेम यही है। हमने कहा ककड़ी, ककड़ी की क्या होती है, पूरी बेल होती है और जमीन के ऊपर लगती है, इसलिए सबसे पहले तो हम ककड़ी को यहाँ से हटा देते हैं। फिर है प्याज, हमने कहा प्याज भी क्या है, जमीन के अंदर रहता है, तो ककड़ी तो हट गई है। अब हमारे पास तीन ऑप्शन बचते हैं कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले हम देखते हैं प्याज को, तो प्याज जब आपने देखा होगा तो प्याज का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें छोटे छोटे बाल जैसी संरचनाएं आपको देखने को मिलती हैं। तो छोटी छोटी किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, और यहाँ पे आपको छोटे छोटे बाल जैसी संरचनाएं यहाँ पे देखने को मिलती है। क्या होते हैं ये बाल जैसी संरचनाएं, इसे हम कहते हैं जड़। और ये जो प्याज का जो निचला हिस्सा है, ये जो प्याज का निचला हिस्सा है इसे हम कहते हैं तना। तो किसे हम खाते हैं, हम इस वाले भाग को खाते हैं, इसका मतलब हम क्या खा रहे हैं, हम तने को खा रहे हैं। और प्याज की जो जड़ होती है वो ये होती है, कुछ ऐसा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हम देखते हैं जिसे जब हम प्याज काटते हैं तो इसे हम हटा देते हैं। तो जब नया नया प्याज जब निकलता है जिसे हम खोद के निकालते हैं, आप सभी ने देखा होगा क्योंकि हम अपने घरों में प्याज को बोते हैं, तो हमने इस प्रकार का देखा। तो ये हमारी क्या होती है, ये प्याज की जड़ होती है, ये प्याज का क्या होता है, तना होता है। चलिए तो हमारा एक ऑप्शन यहाँ से हट जाता है, प्याज हमारा यहाँ पे हट गया। अब आता है हमारे पास आलू, तो आलू क्या होता है, हमने कहा कि आलू भी क्या है, एक जड़ है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार का आलू का पौधा होता है और यहाँ पे आलू ऐसे लगे होते हैं, तो जड़ तो यही होती है। तो ये क्या होता है, जो आलू होता है ये तना होता है, स्टेम होता है। हमने क्या कहा, तना भी, आलू भी क्या है, यहाँ पे एक तना है। क्या ऑप्शन हमारे पास बचा, गाजर बचा। अब आप कहेंगे यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, हमें क्या पता चलेगा कि आलू क्या है या फिर प्याज क्या है और गाजर क्या है। हमने कहा जब भी आप गाजर को देखते हो तो उसमें क्या होती है, रूट हेयर होती है। रूट हेयर किसे कहते हैं हम, जिसे हम जड़ रोम कहते हैं। हमने कुछ इस प्रकार से देखा, तो ये है। तो इस प्रकार से आपको हल्की सी यहाँ पे स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिखाई देते हैं, ये जिस भी संरचना में, जिस भी सब्जी में कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे, इसे हम जड़ रोम कहते हैं। जिसमें भी जड़ रोम होते हैं उसका क्या मतलब होता है, वो जड़ है। जड़ रोम कहाँ पे होते हैं, जड़ रोम कहाँ पे होंगे, वो जड़ों में होंगे। देखिए ये हमारी क्या है, मेन रूट है, जिसे हम मेन जड़ कह रहे हैं। और ये हमने फाइब्रस रूट बना लिए, अब हम टैप रूट यहाँ पे बनाते हैं। हमने कहा ये मेन रूट है, मेन रूट है यानी कि ये मुख्य जड़ है, और इस मुख्य जड़ से कुछ इस प्रकार की संरचनाएं निकलती हैं, हम इसे रूट हेयर कहते हैं, जड़ रोम कहते हैं। तो जड़ रोम कहाँ पे होगी, मुख्य रूट में होती है जड़। जड़ रोम कहाँ पे होंगे कि जो मुख्य जो जड़ होगी मुख्य जड़ से लगे होंगे जड़ रोम। तो अगर यहाँ पे इस प्रकार की संरचना आपको किसी भी की कोई भी जो सब्जी है जो जमीन के अंदर पाई जा रही है और उसमें आपको इस प्रकार के जड़ रोम देखने को मिल रहे हैं, इसका क्या मतलब है, वो मुख्य जड़ है।
और उसमें जो छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं वो क्या है, जड़ रोम है। इस प्रकार से आप पता लगाते हैं कि यहाँ पे कोई जो सब्जी है वो तना है या फिर जड़ है। अब प्याज की अगर हम बात करें तो प्याज को हमें साफ रूप से वहां पे दिखाई देते हैं कि उसके ऊपर जो उसके डिस्क के ऊपर जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे बाल नुमा जो संरचना होती है वो क्या होती है, वहां उसकी जड़ होती है। आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पे, आंसर हमारा आएगा डी, यानी जड़ वाली सब्जी कौन है, बी। जड़ वाली सब्जी यहाँ पे कौन है, गाजर यहाँ पे जड़ वाली सब्जी है, आलू यहाँ पे स्टेम है, प्याज यहाँ पे स्टेम है, और ककड़ी तो हमें पता है कि ककड़ी जमीन के ऊपर यहाँ पे लगती है। तो ये आपके क्वेश्चन का यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा। चलिए तो अब हमने एमसीक्यू को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। हमने टोटल कितने क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए, हमने 10 क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किया। अब आपको क्या करना है, आपने जब भी क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपने अपने आंसर देखे होंगे। अब आपको ये देखना है कि इन 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही निकलते हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत निकलते हैं। जो भी क्वेश्चन गलत निकल रहा है उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक को आप फिर से पढ़ेंगे, जिससे कि आपका जो भी डाउट है वो वहाँ पे यहीं पे क्लियर हो जाए। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो रिक्त स्थान होते हैं उनकी पूर्ति हम यहाँ पे करेंगे। चलिए अब हमें, हमारे पास एक स्टेटमेंट दी गई होगी, उसमें क्या होंगे, खाली स्थान होंगे और उस खाली स्थानों को हमें उपयुक्त शब्द के द्वारा यहाँ पे भरना है। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, जब हम कुछ समय के लिए भोजन नहीं करते हैं तब हमें डैश का अनुभव होता है। तो सिंपल सी बात है, हम भोजन नहीं कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे होगा, हमें भूख लगेगी। सिंपल सा यहाँ पे इसका क्या होगा, आंसर होगा हमें भूख लगेगी। आप यहाँ पे भूख का अनुभव भी होता है और भूख का अनुभव होगा तो हमें कमजोरी का अनुभव होगा, दोनों ही आंसर यहाँ पे सही आएंगे, चाहे आप भूख लिखें चाहे आप कमजोरी लिखें। पहला ऑप्शन हमारा हो गया है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट कह रहे डैश, जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। किन जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, सिंपल सी बात है, जो जीव यहाँ पे लिविंग है, जो जीवित प्राणी है, उन्हें यहाँ पे क्या होगा, भोजन की आवश्यकता होगी। यानी कि जितने भी यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी को भोजन की आवश्यकता यहाँ पे होगी। थर्ड जो ऑप्शन है वो क्या कह रहे हैं, बच्चों को डैश के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। क्यों है बच्चों को भोजन की आवश्यकता, हमने कहा वृद्धि और विकास के लिए। तो वृद्धि और विकास के लिए बच्चों को या वे किसी भी जीव को यहाँ पे भोजन की आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कह रहे हैं, यदि अधिक समय तक भोजन ना दिया जाए तो अधिकांशतः ज्ञात जीव क्या हो जाएंगे, अगर अधिक समय तक भोजन ना मिले तो, अगर अधिक समय तक भोजन नहीं मिले तो जो जीव है उनकी मृत्यु हो सकती है यहाँ पे। तो ये हमारे पास कुछ क्या थे, रिक्त स्थान थे, जिनको आपने क्या करना था, सुटेबल वर्ड्स के द्वारा यहाँ पे उन्हें फिल करना था। क्या कह रहा है, पूरा सेंटेंस यहाँ पे मृत्यु हो जाएगी। आपके पास कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कोई शॉर्ट आंसर आएगा, कोई लॉन्ग आंसर आएगा, कभी आपको चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चूज करना है, कभी आपके पास रिक्त स्थान आएंगे या फिर सही और गलत को आपको चूज करने के लिए आएगा। तो आपको हर एक क्वेश्चन को हर तरीके से देखना है और आपको प्रैक्टिस करते हुए चले जाना है, जिससे कि क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जाए आप उसका आंसर यहाँ पे दे सकें। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, अभी तक यहाँ पे जो भी आपको समझाया गया है वो आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।